राजस्थान के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर और चेतन साकारिया की घातक गेंदबाजी के आगे दिल्ली की टीम ने बनाया सम्मानजनक स्कोर। दिल्ली की तरफ से श्रेयस अय्यर ने खेली शानदार पारी। तो क्या है पूरे मैच का हाईलाइट्स बताएंगे इस वीडियो में, तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग में शिखर धवन और पृथ्वी शाह आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली को काफ़ी धीमी शुरुआत दी और दोनों ही बल्लेबाज जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। शिखर धवन ने 8 और पृथ्वी शाह ने 10 रन बनाए और फिर क्रीज पर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बीच शानदार साझेदारी हुई। पंत ने 24 और श्रेयस अय्यर ने 43 रनों की पारी खेली और अंत में सिमरन हेटमायर ने 28 रनों की पारी खेली और दिल्ली ने 20 ओवर में 154 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मुस्ताफिजुर और चेतन साकारिया ने 2-2 विकेट झटके और वहीं कार्तिक त्यागी और राहुल तेवटिया को भी 1-1 विकेट मिला। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम 155 रनों का लक्ष्य बनाकर इस मैच को जीत पाएगी या नहीं। दोस्तों इसी तरह की क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।